तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं बांस का बगीचा। तो चारों तरफ बांस का पेड़ लगा हुआ है, तो इसी में हम बांसकरी को ढूंढेंगे। तो चलो हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमें यहाँ बांस का करी मिला है, जो कि बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ बांस का पेड़ भी छोटा छोटा है, इसलिए करी भी छोटा ही मिलेगा। तो यह छोटा सा करी मिला हमें, ये देख सकते हो यहाँ पर भी छोटा सा लगा हुआ है, हमें इसको भी तोड़ लेना है। इसे तोड़ने के लिए बहुत ही घने जगह में जाना पड़ता है, और वहाँ सांप बिच्छू का भी डर रहता है, जिससे हमारे जान को भी खतरा हो सकता है। इसलिए बांस करी को सावधानी पूर्वक तोड़ना चाहिए। हमारा सभी करी टूट चुका है, तो चलिए चलते हैं हमारे किचन की ओर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार, सोनम ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बांस करी की सब्जी। बांस करी को ढूंढने के लिए हम बांस के बगीचे गए थे, वहां से यहां हमें बांस की करी मिला। तो यहां पतला बांस का करी है, इसलिए यह पतला है। तो चलो हम इनकी रेसिपी बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके छिलकों को निकाल लेना है, और इसके छिलके को बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि इसके छिलके बहुत ही नुकीले होते हैं, इससे आपको चोट भी लग सकती है। तो हमारा छिलका निकल चुका है, अब हमें हंसिया या चाकू की सहायता से इन्हें बारीक कटिंग कर लेना है। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन्हें शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो हमारा बांस करी बारीक कट चुका है, आपको भी ऐसे ही काट लेना है, और इन्हें अच्छे से पानी में धो लेना है। तो इसे धोने के बाद हमें कुकर में डाल लेना है, और कुकर में डालने के बाद थोड़ा सा पानी और उसमें चना दाल भी डाल लेना है। यह पतले बांस का करी, इसलिए हमें इन्हें 2 सीटी बस लगाना है। यदि यह मोटे बांस का करी होता तो हमें 5 से ज़्यादा सीटी लगाना पड़ता। यह कुकर में बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, तो हमें इनके पानी को अलग कर लेना है। गैस में कढ़ाई चढ़ा लेना है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद उसमें तेल डालकर जीरा, लहसुन, सूखा मिर्ची और प्याज का फ़ौरन दे लेना है। फिर इसे हमें हल्का गोल्डन फ्लेवर आने तक भून लेना है। उनके बाद उसमें हमें करी को डालना है। करी को डालने के बाद उसमें टमाटर भी डाल लेना है, हल्दी, मिर्ची, धनिया का पाउडर भी डालना है, और नमक डालना है, और अच्छे से हमको इनको मिला लेना है। बांस करी बारिश के मौसम में ही खाने को मिलता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं इन्हें बारिश के मौसम में ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि जो पेट की समस्या रहती है इन्हें खाने से दूर हो जाती है। इसलिए हमें साल में एक बार बांस करी की सब्जी ज़रूर पकाकर खाना चाहिए। अब हमारा टमाटर गल चुका है, तो इसमें हमें 1 गिलास पानी और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर हमें उन्हें अच्छे से मिलाकर 5 मिनट तक ढककर उसे और पकाना है। फिर हमारा यह सब्जी बनकर तैयार है। तो आप लोग देख सकते हैं यह रेसिपी देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, तो आप लोग भी जरूर एक बार ट्राई करें। तो आप लोगों को मेरा बांस की सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।